दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के सीजन में यहां पर दोस्तों ग्राउंड में उतरने से पहले फंस जाएगा दो ही चीज़ों में, जिसका नाम है पहला ट्रेड विंडो, दूसरा नाम है मिनी ऑक्शन। क्योंकि यहां दोस्तों प्लेयर्स काफ़ी सारे होने वाले हैं, टीम के पास पैसे भी चलो इन लास्ट आ ही जाएंगे, कुछ प्लेयर्स को वो भी बाहर करेगा। पर दोस्तों दुविधा एक टीम के लिए वही होती है कि किस प्लेयर को बाहर निकाले और किस प्लेयर को चूज़ करे, क्योंकि अगर चूज़ किया हुआ प्लेयर अपनी टीम में आकर ना चला और जिसको रिलीज़ किया अगर वो दूसरी टीम में चल गया तो क्या होगा, क्योंकि केकेआर के साथ हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जैकपॉट ऑप्शन बताऊंगा जो टीम केकेआर ट्रेड में लेगा तो उनकी लॉटरी है। पसंद आए वीडियो लाइक शेयर करना, केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर कर देना। दोस्तों ये वाला जो मिनी ऑक्शन या फिर ट्रेड विंडो, ये जो दोनों है टीम केकेआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 से 8 खिलाड़ी टीम केकेआर जरूर रिलीज करेगा, उसमें से 2-3 यहां पर ओवरसीज खिलाड़ी भी होने वाले हैं और बच्चे भी यहां पर इंडियन प्लेयर्स होंगे। और इसका दोस्तों ये ट्रेडिंग का आपको पता ही है दोस्तों, ट्रेड होगी तभी यहां पर एक हेल्दी टीम एक हेल्दी राइवलरी बनती है। क्योंकि आपने पास्ट में देखा होगा दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव, ऐसे बड़े प्लेयर्स दूसरी टीमों में गए हैं, टीम केकेआर ने ऐसे जैकपॉट छोड़े हैं। अब टीम केकेआर का एनवायरनमेंट कह लीजिए या टीम केकेआर की मैनेजमेंट कह लीजिए, जो भी है इन प्लेयर्स को भाई नहीं, और दूसरी टीम में जाते ही दोस्तों ये एकदम से धमाका मचा चुके हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लेयर्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों ये सबसे पहले आपको बात बता दूँ, ये जो बड़े बड़े नाम है ये ट्रेड के अंदर जरूर आएंगे। अब ये ऑप्शन टीम केकेआर लेता है या फिर नहीं लेता ये टोटली उनकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है। तो ये जो प्लेयर्स हैं इनके नाम हैं रविंद्र जडेजा, जॉनी बेयरस्टो, कृणाल पांड्या, चेतन सकारिया, मनीष पांडे, विजय शंकर, केएस भरत। तो ये कुछ ऐसे टॉप नाम हैं जो ट्रेड्स के अंदर आने वाले हैं। पिछले कुछ टाइम्स के अंदर दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस या टीम जो भी कह लीजिए दोस्तों ये ट्रेड में कुल मिलाकर आएंगे। और टीम केकेआर को एक लेफ्टी बॉलर चाहिए, वहीं एक ऑलराउंडर भी चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताओ ये जो 7 नाम मैंने बताया इसमें से कितने खिलाड़ी और कौन कौन से खिलाड़ी केकेआर मैंने चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।